हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू क्वेश्चन ऑफ फोरियर सीरीज। द पीरियोडिक सिग्नल XT इज शोन। XT एक सिग्नल दे रखा, पीरियोडिक है। हमें क्या करना है, सी के फाइंड करना। और सेकंड क्वेश्चन है, XT इज पास थ्रू ए आइडल लो पास फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दे रखी है 0.7 हर्ट्ज। आउटपुट बताना फिल्टर का क्या होगा। तो सबसे पहले हमें सी के निकालना, उसके बाद हमें एक लो पास फिल्टर से ये जो जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ये दे रखी है उसको XT को पास कराएंगे, तब देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। तो सी के कैसे फाइंड करते हैं, सी के लिए पहले चाहिए मुझे उसका पीरियड। इसने बोला ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक का मैंने बताया तरीका कैसे। ये वाली एज यहाँ पे मिल रही है मुझे, कहीं से भी कोई एक एज पकड़ लो, ऐसी दोबारा एज कहाँ जाके मिल रही है मुझे, ये वाली एज जाके मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो टाइम पीरियड कहाँ तक हो गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाके ये रिपीट करेगा। बस देख लो, यहाँ से ये 3 पर है, ये -1 पे है, तो टोटल कितना हो गया ये 4 सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2π/T होती है, 2π/4 आया, ये π/2 आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आ गई है। सी के निकालना है, सी के क्या होता है, 1/T ओवर ए पीरियड टी, यहाँ पे लिखते हैं x(t) इंटू ई की पावर -j ओमेगा KT dt। ठीक है, या इसको ओमेगा नोट लिख लो, या ओमेगा, चलो या ओमेगा ही रहने देते हैं। तो ये आ गई इतनी, इतना आ गया हमें टी पता है, एक्स टी की वैल्यू पता है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इस पीरियड के अंदर, तो मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे। सी के क्या आ गया, 1/4, टी की वैल्यू 4 आई है। देखो यहाँ पे एक्स टी की वैल्यू 1 है जब -1 से 0 तक जा रहा है, वो -1 से 0 तक एक्स टी की वैल्यू है 1, e की पावर -j, ओमेगा की वैल्यू है π/2 KT dt, प्लस जब 0 से 1 जा रहा है तो वैल्यू कितनी है -1, 0 से 1 पर जाने पे इसकी वैल्यू आ रही है -1 XT की, और ये KT dt। बस इसको इंटीग्रेट करो, सी के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो सी के कितना आ गया यहाँ से, 1/4 e की पावर -j π/2 KT अपॉन -j π/2 K। इसमें लगानी है मुझे लिमिट -1 से 0, ये वाला माइनस मैंने बाहर ले लिया, e की पावर -j π/2 KT अपॉन -j π/2 K, इसकी लिमिट है 0 to 1। सी के कितना आ गया, ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का कॉमन है इसको मैं बाहर ले ले रहा हूँ, कितना आ जाएगा 4 -j π/2 K। यहाँ पे लिमिट लगाओ, 0 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 लगाया तो ये प्लस हो जाएगा, e की पावर j π/2 K आ जाएगा, है ना, ये माइनस है तो ये अगेन 1 लगाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस, e की पावर -j π/2 K। और जब 0 लगाऊंगा तो इस माइनस की वजह से अंदर वाला माइनस जो आता है वो प्लस कर देगा उसको, है ना। 1/2 हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लो, देखो यहाँ से ये 2, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल, -j ऊपर जाके क्या बन जाएगा +j, यहाँ से कितना बचा ये 2π k। 1/2 हो गया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, e की पावर j π/2 K माइनस e की पावर -j π/2 K, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, ये प्लस आएगा बीच में, कितना आ जाएगा यहाँ से, सी के कितना आ गया, j/2π k, 2 और 2 यहाँ से कॉमन है, 2 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ कितना बचा 1 माइनस, ये कितना बन जाएगा cos π/2 k, ये आ गया मेरा सी के। ठीक है, सी के की वैल्यू पूछी थी, पहला सोल्व हो गया। अब ये कह रहा है एक आइडल लो पास फिल्टर है जिसे हम XT पास कर रहे हैं, इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दे रखी है 0.7 हर्ट्ज़, आउटपुट क्या होगा। तो मैं एक बार बता दूँ, लो पास फिल्टर जो होता है वो अपने जो ओमेगा की वैल्यू होती है या जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उससे कम वाली वैल्यूज को ही, जो फ्रीक्वेंसी होंगी उन्हीं को अपने अंदर से पास होने देगा। उसके लिए तो हमें चाहिए पहले XT, तो XT कितना आ जाएगा हमारा, XT कितना आ जाएगा, समीशन k = −∞ to +∞, ये यहाँ से कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ, π k 1 - cos π/2 k। तो सी के की वैल्यू यहाँ पे XT कितना गया, j/π k 1 - cos π/2 k,
e की पावर j ओमेगा नॉट की वैल्यू पाई बाई टू के टी। ठीक है, अब ये कह रहा है ये जो मेरा एक्स टी है मैं इसको अपने एक लो पास फिल्टर से पास करता हूँ। ये देखा, मैं एक बार बता दूँ लो पास फिल्टर के बारे में, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी इतना 0.7 हर्ट्ज। तो जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, ये समझ लो ये जो फ्रीक्वेंसी होंगी, अगर मैं इसको ओमेगा के टर्म में लिखूं, ठीक है, हमें दे रखा एफ की वैल्यू, देखिए हमें 0.7 हर्ट्ज, ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई एफ, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई करो, जो 1.4 पाई वाली फ्रीक्वेंसीज होंगी केवल उन्हीं को पास करेगा, ठीक है, इससे कम वाली को। तो वन यहाँ पे लिखो -1.4 पाई, और ये कितना 1.4 पाई, जो फ्रीक्वेंसीज इससे कम होंगी उन्हीं को ये केवल पास करेगा, ठीक है। तो पास करेगा, तो उसके लिए अब हम क्या कैसे करेंगे, ये ओमेगा की वैल्यू है, यहाँ पे के की वैल्यू पे डिपेंड करेगी हमारी ओमेगा की वैल्यू, यहाँ पे अलग रख के देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो रखना शुरू करो, जब के की वैल्यू मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले आ सकता हूँ अपनी, तो के की वैल्यू मैं जब जीरो रखता हूँ, तो एक बार ध्यान से देखो के अपॉन मारा, तो हमें सी जीरो की वैल्यू सेपरेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सी जीरो की वैल्यू मैं सेपरेट निकालता हूँ, तो कितनी आएगी सी जीरो जो एवरेज वैल्यू है, तो वो हो जाएगी 1/T ओवर ए पीरियड एक्स टी डी टी, ठीक है, ये आएगी। तो 1/4 हमें पता है ये -1 से 0 तक एक्स टी की वैल्यू 1, और 0 से 1 इसकी वैल्यू कितनी है -1 डी टी। तो सी जीरो की वैल्यू निकाल ली हमने 1/4, यह आ जाएगा टी, इसका माइनस बाहर मैंने ले लिया, टी 0 to 1 1/4 कितना आ गया ये 0 + 1, और यहाँ से कितना -1 - 0, तो ये कैंसिल हो गया 0/4 यानी 0, सी जीरो की वैल्यू कितनी आई 0 आई, ठीक है। तो मेरा एक्स टी जो आया फाइनल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार और दिखाने के लिए, एक्स टी जो आ गया मेरा कितना आ गया सी जीरो, जीरो की ये आ गया यहाँ, और के इक्वल्स टू -∞ to +∞, यहाँ पे लिख दो के इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि सी जीरो वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी है, कितनी आई थी जे अपॉन के पाई 1 - cos π/2 k e की पावर जे पाई बाई टू के टी। अब देखो मैंने बताया जो फ्रिक्वेंसीज इससे कम वाली आएंगी केवल उन्हीं को लेंगे, ठीक है, k इक्वल्स टू 0 तो हम नहीं लेंगे, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 हो चुकी है, k इक्वल्स टू पहले चेक करेंगे k इक्वल्स टू +-1 पे, क्योंकि हमें इधर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की लेनी है ना, तो यहाँ पे जब मैं चेक करूँगा मैंने कह दिया जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा डैश कह दी मैंने, यहाँ पे वो पाई बाई टू के, के की वैल्यू +-1 लगाऊंगा तो कितना आएगी +π/2 k, यानी ये वाला हार्मोनिक जो होगा पास हो जाएगा, ठीक है, ये 1.4 पाई से कम है ना, ये 0.5 है केवल, तो ये तो पास हो जाएगा, k इक्वल्स टू +-2 पे चेक करो ऐसे ही, यहाँ पे +-2 लगाया मैंने कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल +-π, तो ये भी पास हो जाएगा +-π यहाँ तक आएगा कम से कम, ये भी पास हो गया +-, एक ऐसे चेक करते जाना जहां तक होगा +-3, तो कितना आ गया +-3π/2, ये कितना हो गया 1.5 आउट ऑफ रेंज चला गया, हमारा जरूरत क्या है 1.4π तक या -1.4π, ये 1.5, इसका मतलब इससे जो आगे वाली वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी ओमेगा की ज्यादा आने लगेंगी 1.4π से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज विल नॉट पास्ड थ्रू लो पास फिल्टर, ठीक है। तो हमारा k+-2 वाली ही जो हार्मोनिक आएंगे उन्हीं की पास हो पाएंगे, ठीक है, तो हमारा बस इसको लिख दो यहाँ पे xt को, अब कितना आ गया k+2 +-1 लगाना, k+2 पहले मैं -1 लगाता हूँ, चलो पहले -1 पे चेक करते हैं, तो कितना आ जाएगा k अपॉन -1 k π, यहाँ पे आ जाएगा 1 - cos, देखो यहाँ पे k की जगह -1 लगाऊंगा तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, e की पावर -1 लगा रहा हूँ मैं k की जगह, तो ये बचेगा इतना, +1 लगाओ तो j अपॉन 1 π 1 - यहाँ पे ये अगेन कोस में तो प्लस ही रहता, -2 लगाओ
माइनस टू पे चेक करो, ऐसे जे अपॉन माइनस टू पाई वन माइनस कोस, कितना हो जाएगा ये, के की जगह माइनस टू लगाऊंगा कोस पाई, और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस, कितना टू लगाओ यहाँ तो पाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे टू रख दो बस यहाँ पे, टू पाई वन माइनस कोस पाई e की पावर जे पाई टी, ठीक है, सॉरी ये प्लस आएगा, तो बस इसको सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट हो जाएगा लो पास फिल्टर का। यहाँ कोस पाई जीरो होता है, इसका जे अपॉन पाई मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है, जे अपॉन पाई मैंने कॉमन लिया पहले वाले दो टर्म में से, यहाँ कितना बचेगा ये तो वन माइनस जीरो वन हो गया, माइनस ई की पावर माइनस जे पाई बाई टू टी, यहाँ से ये जे वाई पाई मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो वन माइनस जीरो ये केवल बचेगा यहाँ पर ई की पावर जे पाई बाई टू टी, ऐसे यहाँ से क्या क्या लेंगे जे वाई, ये टू आ रहा है यहाँ पे, ये कोस देखो यहाँ पे कोस पाई माइनस वन होता है, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो यहाँ पे जे पाई बचेगा केवल, उसको मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला टू इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है केवल बचेगा, ऐसे यहाँ पे देखो ये टू आएगा, ये वाले टू इसको कैंसिल कर देगा, जे अपॉन पाई मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे प्लस ई की पावर जे पाई टी, ठीक है, मैं क्या करता हूँ ये इसमें टू जे का डिवाइड कर देता हूँ, टू जे का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये किसका बन गया, साइन की फॉर्म बन गई, ठीक है, टू जे की टू जे मल्टीप्लाई की तो माइनस टू, ये आ जाएगा साइन पाई बाई टू टी, नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे साइन बन जाएगा, कितना आ गया ये टू जे किससे किया तो माइनस टू बाई पाई साइन पाई टी, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर, जो हम जब अपने जो 0.7 हर्ट्ज का फिल्टर दे रखा है ना उससे जब पास होगा तो ये आउटपुट आएगा हमारा केवल, ठीक है, तो इसको लिख लेना आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर है ये, ठीक है, जब भी आएगा ऐसा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दे रखी हो तो इस टाइप से करना, एक बार और देख लो अगर कोई स्टेप छूट गया हो तो, पहले सी के निकाला, सी जीरो भी निकालते हैं साथ साथ, ठीक है, यानी सी जीरो यानी एवरेज वैल्यू, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।